दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबको कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। इस तरह का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और कौन कौन से एप्लीकेशन से बनाया है उस एप्लीकेशन के बारे में भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग से प्यारी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दी लाइक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आज इस फोटो को एडिट करने वाला हूं। इस फोटो को मैं यहां से शेयर करता हूं लाइटरूम एप्लीकेशन में। आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और लाइटरूम एप्लीकेशन पे यहां पे क्लिक करना है। ये फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर हो जाएगा, ठीक है गाइज। यहां एडिंग फोटो टू ऑल फोटो एल्बम, ठीक है, वहाँ पर शेयर हो चुका है। अब मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा ऑल फोटोज, आपको ऑल फोटोज पर क्लिक करना है। और ऑल फोटोज पर क्लिक करने के बाद आपको फोटो पर क्लिक करना है गाइज। फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको साइड में बहुत सारा टूल दिख रहा है, इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा लाइट का ऑप्शन, आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा हाईलाइट, हाईलाइट को आपको कम करना है कुछ इस टाइप से। शैडोज को बढ़ाना है, व्हाइटनेस को बढ़ाना है और नीचे की तरफ आना है और ब्लैक को कम करना है कुछ इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे मिल जाएगा आपको कलर वाले ऑप्शन, आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा मिक्स टूल का ऑप्शन, आपको मिक्स टूल पे क्लिक करना है। और मिक्स टूल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा यानी फोर्थ राउंड में ग्रीन, आपको ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका सैचुरेशन के अमाउंट को आपको जीरो कर देना है गाइज। उसका बगल में मिल जाएगा आपको येलो, येलो पे क्लिक करना है, इसका भी सैचुरेशन को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद में मिल जाएगा ये कलर, आपको इस पर कलर पर क्लिक करना है, इसका भी सैचुरेशन को आपको माइनस करना है गाइज कुछ इस टाइप से। और लुमिनस को बढ़ाना है, फर्स्ट में मिल जाएगा आपको रेड, इसका भी आपको सैचुरेशन को आपको कम करना है गाइज और लुमिनस को बढ़ाना है। कम करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ डन कर देना है गाइज। डन करने के बाद उसके नीचे मिल जाएगा आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन, आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ मिल जाएगा क्लैरिटी, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा नीचे वीडनेट, इसको कम करना है गाइज इस तरह से। कम करने के बाद नीचे मिल जाएगा ट्रेंगल का ऑप्शन, आपको ट्रेंगल ऑप्शन पर क्लिक करना है। शार्पनिंग को थोड़ी सी बढ़ाना है, उसके नीचे आना है नॉइज़ रिड्यूसर को बढ़ाना है, उसके नीचे आना है कलर नॉइज़ रिड्यूसर बढ़ाना है, उसके नीचे आना है डिटेल को 100 कर देना है और स्मूथनेस को 100 करना है। इस फोटो को दोस्तों स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर शेयर करना है। शेयर करने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा शेयर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा शेयर टू, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने स्नैपशीट को पर मैं क्लिक करूँगा, यह फोटो स्नैपशीट में ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा गाइज। यहाँ पे स्नैपशीट एप्लीकेशन में फोटो शेयर हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा पेंसिल का आइकन, आपको पेंसिल पे आइकन में क्लिक करना है और आपको यहाँ मिल जाएगा टोन इमेज, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करना है और ऊपर की तरफ जाना है एम्बुलेंस में और इसका अमाउंट को आपको 100 करना है। 100 करने के बाद दोस्तों साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है गाइज। डन करने के बाद फिर से आपको पेंसिल आइकन में क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा डिटेल, आपको डिटेल पर क्लिक करना है और इसका भी अमाउंट को 50 ग्राउंड रखना है। उसके नीचे आ जाएगा शार्पनिंग में, इसका अमाउंट को 20 ग्राउंड रखना है, ठीक है। मैंने 13 रख लिया है। साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको पेंसिल पर एक में क्लिक करना है और यहाँ मिल जाएगा सिलेक्टिव, आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करना है और सिलेक्टिव पे क्लिक करना है, फेस पे टाइप करना है कुछ इस टाइप से जहाँ पे रेडनेस का दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए इसको जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से, ब्राइटनेस को बढ़ाना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके सैचुरेशन 3 नंबर में दिखेगा इसको कम कर लेना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। कम करने के बाद साइन वाले पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों इस फोटो को फिर से आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करना है। शेयर करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ एल आर का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड टू एल आर, इस पर क्लिक करना है या फोटो ऑटोमेटिक लाइटरूम में शेयर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। लाइटरूम एप्लीकेशन फोटो को शेयर कर लिया है। शेयर करने के बाद गाइज आपको यहाँ मिल जाएगा सिलेक्टिव टूल का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा प्लस का आइकन, आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ मिल जाएगा ड्रो का आइकन, उस पर क्लिक करना है और कहीं पर टैप करना है, फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से। और यहाँ जो लिप्स है इस पर आपको इस तरह से ब्रश करना है ताकि यहाँ लिप्स का कलर को चेंज करना है, ठीक है गाइज। उसके बाद दोस्तों मिल जाएगा आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन, आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये कलर में आना है पिंक कलर में और सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना कुछ इस टाइप से। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है गाइज। डन करने के बाद दोस्तों आपको फिर से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, लाइट वाले ऑप्शन में जाना है और हाईलाइट को कम करना है, शैडोज को बढ़ाना है, व्हाइटनेस को बढ़ाना है, ब्लैक को कम करना है। उसके बाद मिल जाएगा कलर का ऑप्शन, आपको कलर पर क्लिक करना है, मिक्स में जाना है और सेकंड कलर पे क्लिक करना है, सैचुरेशन को कम करना है, लुमिनस को बढ़ाना है कुछ स्टेप से मैं जैसे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे डन कर देना है गाइज। डन करने के बाद आपको आना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, क्लैरिटी को बढ़ाना है, ठीक है, और विंटेज को कम करना है, टेक्स्चर को थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके नीचे आ जाएगा आपको शार्पनिंग का ऑप्शन, शार्पनिंग पर क्लिक करना है,
इसका भी शार्पनिंग को बढ़ाना है और नॉइज रेडिएशन को बढ़ाना है और कलर नॉइज रेडिएशन और डिटेल को 100 करना है और स्मूथनेस को थोड़ा सा इस पर बढ़ाना है, ठीक है। इस फोटो को आपको ऑटोडेस्क स्केच बुक में शेयर करना है। शेयर करने के लिए आपको शेयर पर क्लिक करना है और आपको शेयर टू पे क्लिक करना है, ठीक है। कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है। गाइज आपको यहाँ मिल जाएगा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने इस फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक में मैंने शेयर कर लिया है। जो भी मैं एप्लीकेशन यूज करूंगा सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपको गाइस यहां मिल जाएगा ये ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ सेटिंग कर लेना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं, यानी कि इसको रख लेना है 11 और साइज आपके अपने अनुसार से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख लूँ इतना, यहाँ से कट करना है फोटो को, जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से और आपको यहाँ से इस तरह से स्मूथ करना है फेस को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ फेस को स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। इस तरह से आपको जहाँ जहाँ फेस है आपको यहाँ पे देखिए यहाँ फेस स्मूथ हो गया। तो दोस्तों मैं इस थोड़ा वीडियो को पोस्ट कर दूँ ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फेस को स्मूथ कर लिया है। अब इसको फोटो को शेयर करना है टूलबीज एप्लीकेशन में। टूलबीज एप्लीकेशन में शेयर करने के लिए आपको ये जो ऑप्शन दिख जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ मिल जाएगा शेयर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है, कुछ सेकंड वेट करना है और आपको यहाँ मिल जाएगा अदर, आपको अदर पे क्लिक करना है और कुछ सेकंड वेट कर लेना है, ठीक है गाइज। प्लीज वेट लिख रहा है, आपको वेट करना है कुछ देर। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा टूलबीज एप्लीकेशन, आपको टूलबीज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने टूलबीज एप्लीकेशन इस फोटो को लेकर आ गया है। अब आपको यहाँ मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन, ठीक है, आपको इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा सॉफ्ट, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन, आपको फाइव पे क्लिक करना है, सॉरी फाइव पे, यहाँ पे फाइव है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा मास्क, आपको मास्क पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से क्लीन कर देना है, फोटो को जूम आउट करना है और आपको हेयर पे इस तरह से अप्लाई करना है गाइस, ठीक है। मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये रहा, यह हेयर एडिटिंग हो चुका है। आपको यहाँ पे साइन की मार्क दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है गाइज। डन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, सॉफ्ट में चले आना है और सॉफ्ट में आने के बाद दोस्तों इस बार आपको थ्री पे क्लिक करना है। थ्री पे क्लिक करने के बाद आपको मास्क पे क्लिक करना है, क्लीन करना है, फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से और इस बार आपको दाढ़ी पे आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और मूंछ पे, ठीक है। करने के बाद दोस्तों आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है फिर से। डन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, सॉफ्ट में आना है, सॉफ्ट में आने के बाद दोस्तों आपको अंकी वन एक पर रखना है, ठीक है, और एक पर रखने के बाद साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है और आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फोटो फाइनली एडिट हो चुका है, ठीक है गाइज। ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे फाइनली एडिट हो चुका है। अब इस फोटो को सेव करने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा सेव का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा सेव एंड शेयर, आपको इस पर क्लिक कर फोटो को कर लेना है सेव। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।